hello guys welcome to today's session in concept and today we are going to discuss about another topic in wealth okay so first of all if you haven't downloaded the application, so you can go in the description. There is a link below. So you can successfully download and install the application. Okay, where you will find different kinds of tools which you can use for your investment. Okay, right. And at any time if you feel like you are having any kinds of doubts, so you can contact us from here support. So you will have our number and our email ID. So you can write us, right? Also in learn section there are various video libraries so you can go through it. Okay, it will tell you all about your trading and investment also, right? Uh, available in various kinds of languages so you can choose your language whatever you like, right? So this was about the application. Now coming to the topic of today's video. So today we are also covering like the mega trend. So it is basically the third part of the mega trend, right? And today in the mega trend we are covering. the bfsi right so here you can see the bfsi that stands for banking and financial services right now we are when we are looking into banking and financial services right so क्यों हमें इसकी नीड है या फिर ये कितना मेगा ट्रेंड में जा सकता है नहीं जा सकता है तो इस चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं ठीक है तो अभी तक हमने अगर पिछली वीडियो की बात करें तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वहां पे देखा था जो हमारी पहली मेगा ट्रेंड की वीडियो थी सेकंड मेगा ट्रेंड की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक हेल्थ सेक्टर जो है वो मेगा ट्रेंड बन सकता है आने वाले कुछ टाइम में और आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में राइट अच्छा तो जब हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेस की बात कर रहे हैं ठीक है तो हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं क्योंकि मेगा ट्रेंड मतलब दो तीन साल की बात नहीं है ठीक है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाइक दस बीस या तीस सालों के लिए ठीक है सो इफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन मेगा ट्रेंड तो आप 20-30 साल तक यहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो और ये ऐसे सेक्टर हैं जो मैंने पहली दो वीडियोस में भी कवर किया जो आज मेरा बैंकिंग और हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो इसमें आप प्लान कर सकते हो एक गुड इन्वेस्टमेंट दैट विल हेल्प यू यू नो इन योर न्यूर फ्यूचर राइट ओके अब अगर मैं पहले बैंकिंग की बात करता था तो एक पहले जो हमारा एक व्यू था वो काफी नैरो था जब हम बैंकिंग की बात करते थे ठीक है सो वी आर बेसिकली पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे होते थे उस टाइम पे लोन की बात कर रहे होते थे ओके सिर्फ अब अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो ये काफी ब्रॉड हो चुका है सो यू विल सी मल्टीपल सेक्टर्स हियर मल्टीपल कंपनीज विच आर वर्किंग यू नो विद बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक है इनके साथ मिलके काम कर रही है एंड साथ ही साथ ये जनरेट कर रही है पूल ऑफ मनी ठीक है अब पहले कैसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल uh, आप गए कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए एंड आपने क्या कर दिया वहां पर

पैसा जो है वो जब से हमारे सारे अकाउंट ओपन करने लगे आजकल मुझे लगता है सारे जितने भी अगर आप लोग भी होंगे तो सबके अकाउंट वगैरह इवन किसी किसी के तो दो या तीन अकाउंट भी रहते हैं राइट तो पैसा जो है वो डिजिटली आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो गया ठीक है अकाउंट में आना स्टार्ट हो गया, आपको कुछ भी चीज चाहिए तो so, मतलब वो हमारी जो ये एक साइकिल है इसके अंदर पैसा रिवॉल्व हो रहा है राइट और इसी के कारण हमारा जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है ठीक है ये धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं ऊपर की साइड यानी एक अच्छा इनमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है राइट तो अगर मैं आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करता हूं तो मेरे पास कौन कौन सी मेरे को चीजें देखने के लिए मिलती है तो अब मैंने जैसे यहां दिखो, आप देखोगे कि इज नॉट लिमिटेड टू बैंक ओनली ठीक है तो अब हमारे पास यहां पे क्या क्या देखने को मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के होते हैं एक लैंडर आपको मिलेंगे ठीक है और एक नॉन लैंडर यहां पे मिलेंगे ठीक है तो बेसिकली लैंडर जो आपको पैसा दे रहे हैं ठीक है एंड नॉन लैंडर जो पैसा नहीं दे रहे हैं बट स्टिल दे आर पोजिशन इन दिसको दिख रहे है बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए हमारे हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए फॉरन बैंक स्मॉल बैंक फिनटेक तो ये जितनी भी चीजें हैं दे आर द लैंड ठीक है अब यह नहीं इसके साथ आपको और भी दिखेगा यहां देखो हाउसिंग फाइनेंस हो गया हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा भी आपको बैंक से अलग दिख रहा होगा तो हाउसिंग फाइनेंस आपका हो गया मतलब बेसिकली वो वाली कंपनीज ठीक है जो एक थर्ड पार्टी की तरह आपको फाइनेंस करती है ठीक है किसी भी चीज में तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे होम क्रेडिट ले लो ठीक है तो होम क्रेडिट जैसी कुछ कंपनीज है जो आपको ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं ठीक है एनबीएफसी होती है ठीक है तो वो भी यहां पे आ जाती है बट वो एक तरीके से किसका काम कर रही है लैंडर का काम कर रही है जो आपको पैसा दे रही है ठीक है गोल्ड फाइनेंस हो गया पर्सनल लोन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग तो इंफ्रा पहले की क्या था लोग ना काफी दूर थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं था और इतना ज्यादा जो स्कोप uh, था वो था भी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग का बट धीरे धीरे करके ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा जो सेक्टर है बी वाला सेक्टर है तो वहां पर बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं ठीक है ओके चलो अगर मैं आगे चलू यहां पर तो आप देखोगे कि कहीं नॉन लैंडिंग भी हमें यहां पे दिख रही है ठीक है तो नॉन लैंडिंग कुछ सेक्टर्स है तो अब नॉन लैंडिंग में क्या रहेगा देखो धीरे धीरे अगर मैं बात करूं ना तो धीरे धीरे जैसे जैसे यूथ भी आ रहा है ठीक है लोग काफी पैसा कमा रहे हैं तो दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट की भाई कुछ इन्वेस्टमेंट हो हमारे पास ओके जो हमें आगे आने वाले टाइम पे क्या करें थोड़ी सी हेल्प हमारे लिए हो जाएगी राइट एंड मेजरली इफ दे आर वर्किंग इन द सेक्टर ठीक है तो वहां पर काफी ज्यादा एक नीड भी हो जाती है ठीक है तो इसीलिए क्या आ रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो अगर मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ ठीक है या फिर कोई मेरी इन्वेस्टमेंट भी है फ्यूचर्स एंड मैं ऑप्शन कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स कर रहा हूँ मोडिटीज कर रहा हूं तो वहां पर भी क्या हो रहा है मैं शिफ्ट कर रहा हूं अपना पैसा डी में ठीक है वहां से वो क्या जा रहा है बैंकिंग के थ्रू जा रहा है ठीक है तो फिर से ही पैसा किस में आ रहा है पूरी साइकिल में आ रहा है पहले हम क्या कर लेते थे इन्वेस्टमेंट को लिया सोना खरीदा घर खरीदा छोड़ दिया ठीक है वो पैसा वहीं का वही रखा है इनकेस अगर आज भी मैं बात करूं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड की बात ले लेते हैं तो हमारे इंडिया में ये चीज होती है कि हम गोल्ड को लेते हैं एंड वी जस्ट स्टोर इट समवेयर ठीक है तो वो गोल्ड जो हुआ वो कभी साइकिल में आ ही नहीं रहे ठीक है हमने उसको लिया और रख दिया ठीक है आप भी देखोगे कि, कि पुराने टाइम में करीबन दादा या फिर उनके जो पहले के लोग भी थे ठीक है दादा पर दादा जो होते थे तो उनके टाइम तक के सोना जो होता था ज्वेलरीज जो होती थी तो वी आर स्टोरिंग दैट ज्वेलरी टिल नाउ ठीक है अभी तक करते हैं और ऐसा नहीं हम ही कर रहे हैं बहुत सारी जगह होता है ठीक है और काफी ज्यादा आपको इंडिया में देखने को मिलेगा बट अगर मैं बात करूं कि उसी सोने को मैं लेके आऊं ठीक है और मैंने उसको गोल्ड लोन ले लिया ठीक है या फिर मैंने उसका कुछ इन्वेस्टमेंट किया ठीक है तो अब वो क्या हो गया वो इस सर्कल में आ गया जो बी के सर्कल में है ठीक है और उसके लिए भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं ठीक है देखते आगे चलो तो अगर मैं नॉन लेंडिंग की बात करूं तो यहाँ आपको आपको कस्टोडियन मिल जाएंगे देन वी हैव सम ब्रोकर्स ठीक है आपको देखने को मिल जाते हैं चाहे ट्रेड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो

अब मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है एक और चीज़ है कि अगर आप आज के टाइम पे हम लोग काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सनल पर्सनल इंश्योरेंस हो गया ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस हो गया एक जनरल इंश्योरेंस हो गया ठीक है तो अगर मैं ये सारी चीज़ें ले रहा हूं, ठीक है तो पहले हम हॉस्पिटल जाते थे ठीक है वी गेट द ट्रीटमेंट वी प्रोवाइडेड द कैश ठीक है तो सारी चीजें हो गई नाउ अब क्या हो गया इफ यू आर विजिटिंग द हॉस्पिटल सो एवरीथिंग जो बिल होता है ठीक है सो डेट ऑल विल बी कवर्ड अंडर योर हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर सारी चीजें वो कवर हो जाती हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली अब आपको अपने से कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है सारा जो पैसा है ये क्या हो रहा है एक अकाउंटेबिलिटी में आ रहा है मतलब कोई भी पैसा छुपा हुआ नहीं है आप एक तरीके से मानो मतलब कोई पैसा रुका हुआ नहीं है एंड इफ यू आर जो आपका इकोनॉमी है वो रुक नहीं रही है तो इट मीन जो सेक्टर में ये पैसा लग रहा है तो डेट right? गोल्ड तो और गोल्ड ईटीएफ दिखता है ठीक है तो पहले अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूं तो मैं गोल्ड को क्या कर लेता था सिर्फ मैं गोल्ड बाय कर लेता था और गोल्ड को बाय करके स्टोर कर, कर लिया डेट uh, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल देते थे तो पहले हम क्या करते थे कि हमने गोल्ड लिया एंड एज अ इन्वेस्टमेंट वी स्टोर दैट गोल्ड ठीक है एंड दैट इज़ वट वी कॉल्ड अवर इन्वेस्टमेंट कि हमारी इन्वेस्टमेंट होगी एंड वेनवर यू नो वी विल नीड सम काइंड ऑफ फंड सो वी विल सेल दट गोल्ड और फिर हमारे पास वह आ जाएगा सो दट इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट कि गोल्ड ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप उसको बेचोगे तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट है एक आपको डिसेंट अमाउंट वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है आज हमारे पास डिजिटल गोल्ड आ चुका है ठीक है इसका मतलब आप किसी भी एक एप्लीकेशन में जाओ ठीक है और वहां पे आप क्या कर सकते हो इस जो गोल्ड है उसको डिजिटली बाय कर सकते हो ना आपको उसको कैरी करने की ज़रूरत है ना आपको उसको कहीं पे स्टोर करने की ज़रूरत है सो इट विल बी स्टोर्ड किसके वो जो ये बैंकिंग एंड बी एफ एस आईज है ठीक है जो कोई भी सेक्टर है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी एक एसेट मैनेजमेंट हो गया ठीक है तो वो उसकी पूरी डिटेल्स को आपको स्टोर करके रखेगा अगर आपने उसको बीस रुपए में खरीदा है ठीक है और वो जाता है कुछ टाइम बाद आपने बाद में देखा उसका प्राइस कितना होता है चालीस होता है तो आप उसको डिजिटली क्या कर सकते हो सेल कर सकते हो ठीक है इन केस इफ यू वॉन्ट टू यू नो बाई दैट गोल्ड आपको उसको अपने पास प्रेजेंट चाहिए तो यू कैन आप उसको मंगा भी सकते हो अपने पास ठीक है तो वो आपके पास आ जाएगा गोल्ड ठीक है एक फॉर्म में आ जाता है सो यू विल गेट दैट गोल्ड फिजिकली विद यू राइट तो ऐसे गोल्ड ईटीएफ हो गया नाउ वी हैव अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ठीक है अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं कि पहले हमारे पास जो बिल्डर्स होते थे ठीक है फिर रियल, रियल स्टेट में हम इन्वेस्टमेंट करते थे ठीक है तो डेट वाज वेरी हार्ड क्योंकि क्या होता था एक बिल्डर हो गया ठीक है अब वहां से आप लेन देन कर रहे हो सो so, वो चीजें प्रॉपर तरीके से जो ये सर्कल है जहां पे पैसा आपका आ रहा है ठीक है वहां पे कैच नहीं हो पाता था काफी दिक्कत होती थी उसमें ठीक है तो अब जब हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यहां पे आ चुके हैं सो यू कैन नाउ इन्वेस्ट इन रियल स्टेट्स ऑल्सो ठीक है तो रियल स्टेट में भी आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ठीक है तो अगर रियल स्टेट वाला सेक्टर बूम करता है सो यू विल गेट अ गुड हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर राइट इन्विट्स हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अब इंफ्रा में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था पहले ठीक है पहले तो शायद था भी नहीं ठीक है तो अब जब से इन्विट्स आया है सो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयूज ओके सो पीएसयूज़ इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल अब क्या था पहले के टाइम में इट वॉज वेरी हार्ड टू टच पी एस यूज इवन ठीक है कि हम पी जो है ठीक है इनको टच भी नहीं कर पाते थे ठीक है अब धीरे धीरे क्यों क्यों और रीजन क्या है क्योंकि गवर्नमेंट जो था वो कंटिन्यूअसली इनको एक सप्लाई करता रहता था ठीक है सप्लाई प्रोवाइड करता रहता था अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो इनका सप्लाई चेन है उसको थोड़ा सा ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है और अब जो पीएसयूज है धीरे धीरे करके वी कैन ऑल्सो यू नो इन्वेस्ट इन पी एस ऑल्सो राइट सो दैट इज ऑल्सो गिविंग अस अ गुड हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स ठीक है फ्रॉम पीएसयूज ठीक है और आपने देखा होगा आज के टाइम पे काफी ज्यादा एक प्रोग्रेसिव स्टेट में भी है ठीक है तो अगर आप यहां पे करना चाह रहे हो सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड यू नो राइट नाउ पेमेंट गेटवेज आपके पास बने हैं तो अब पेमेंट गेटवे जब जब से हमारे पास आ गए हैं तो एक तरीके से जैसे आप लिखा हुआ है इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो गया है ठीक है जितना पैसा पहले आप कैश देके लेते थे जिसका कोई हिसाब नहीं होता था नाउ वो सारा क्या हो रहा है फॉर्मल होता जा रहा है हर चीज का एक हिसाब हो चुका है आप सब्जी लेने जाओ ठीक है कुछ भी बाय करो एनीथिंग वट एव यू वॉन्ट तो आप अगर उसको डिजिटली पे कर रहे हो यू हैव सो मनी गेटवेज सो मैनी यूपीआई हो गए बहुत सारे गेट वेज बने हुए वे हैं तो अगर आप कहीं से भी पे करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक किस वाले सेक्टर में हमारा बूम कर रहा है जब से डिजिटल इंडिया हुआ है ठीक है वी आर यू नो डूइंग एवरीथिंग डिजिटली ठीक है तो तब से काफ़ी ज्यादा बी एफ एस आईज को एक uh, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है वहां पे ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ओके एस्क्रो अकाउंट ठीक है अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि बेसिकली अभी एक अकाउंट होता है बहुत स्पेशल टाइप का अकाउंट है जहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं बेसिकली वो हम तभी यूज करते हैं जब हमें उस चीज़ की जरूरत हो ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आप एक डीमेट देख लो ठीक है तो डी पर्टिकुलरली किस लिए हमने बनाया हुआ एक अकाउंट जहां पे हम सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट रहेगा या लॉस आएगा एंड देन वी कैन टेक दैट अमाउंट बैक ठीक है तो इसी तरीके का एस्क्रो अकाउंट भी होता है जो किसी स्पेशल एक इवेंट या फिर किसी चीज के लिए बनाया होगा तो जब आपकी वो रिक्वायरमेंट मीट करेंगी ठीक है तभी जाके ये होगा चाहे आपका, चाहे आपका वो शादी है या कुछ भी हो सकता है ठीक है सो दिस इज ये सारी चीजें भी हम किसके अंदर करेंगे काउंट अपने बी एफ एस आई के अंदर काउंट करेंगे ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये हो गया अपना अब मैं बात कर रहा हूं देखो ये हमने बात करा ना अब एक और चीज़ आपको बताता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं आ, निफ्टी की बात करूं ठीक है तो देखो अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं ठीक है तो करीबन हमारे पास यहाँ पे 500 तक के वो हैं ठीक है स्टॉक्स हैं ठीक है अब अगर मैं बी की बात करूं ठीक है जिसके बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं एक सेगमेंट के ठीक है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस तो अभी बी का निफ्टी के अंदर करीबन सिर्फ कितना स्टेक्स है ट्वेंटी मान लो ठीक है मतलब करीबन जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के इसके अंदर निफ्टी के अंदर स्टॉक्स हैं जो सिर्फ 23 परसेंट है जो काफी कम है ठीक है काफी कम है मतलब एक एवरेज अगर आप 50 का मान रहे हो तो आप देख रहे हो सिर्फ 23 स्टॉक्स ही है ठीक है तो उसके ऊपर के जितने भी स्टॉक्स होंगे ठीक है सिक्सटी स्टॉक्स वो का है अदर किसी सेक्टर के हैं तो बी के सिर्फ कितने हैं ट्वेंटी स्टॉक्स हमारे पास है जो बी से रिलेटेड है ठीक है ये एक चीज है पर अगर मैं इनके प्रॉफिट की बात करूं

ओके okay, अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि गुड फंड हाउसेस जो हैं कौन कौन से हैं बीएफएसआई के अंदर ठीक है तो बीएफएसआई अगर मैं बात कर रहा हूं तो दिस इज द मेन थिंग कि आप भाई कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर मैं आ, पूरा टॉपिक का मेन कंक्लूजन यही है कि भाई करना कहां पे चाहिए फिर ठीक है अब मैंने तो इतनी सारी चीजें बता दी आपको बी के अंदर तो वेयर यू हैव टू पुट योर मनी कहां कहा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ओके सो फॉर दैट वी हैव सम गुड म्यूचुअल फंड ठीक है आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल आपका हो गया यहाँ पे एस डी एफ सी म्यूचुअल फंड हो गया यहाँ पे आपका ठीक है एस बी आई म्यूचुअल फंड हो गया आदित्य बिरला वाईट निपोन तो निपॉन ठीक है तो काफी सारे आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो गुड फंड हाउसेज है ठीक है सो यू कैन गो देयर यू कैन बाय योर म्यूचुअल फंड्स आल्सो ठीक है एंड इफ यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन ओके वेल्थ की आपने हमारी क्वॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है सो यू विल गेट ऑल दिस यू नो फंड हाउसेज दिया सो यू कैन यू नो विजिटिट अवर एप्लीकेशन ऑल्सो एंड यू कैन सी लाइक विच फंड इज़ प्रोवाइडिंग यू गुड इन्वेस्टमेंट ओके सो यू विल गेट ऑल रिलेटिव डेटा दिया यू कैन एनालाइज यूर फंड हाउसेज ठीक है और उसके बाद जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर स्टार्ट करोगे ठीक है सो दैट विल बी अ वेरी यू नो ग्रेट हेल्प फॉर यू ठीक है आपके लिए भी होगी ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एंड चेक इट वंस कोई भी डाउट रहता है यू कैन गो टू द सपोर्ट बात कर सकते हो हमसे ठीक है वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट ठीक है गाइज सो दिस वॉज आई थिंक द थर्ड वीडियो ऑन मेगा ट्रेंड एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वन ठीक है सो कीप यू नो ट्यून फॉर अदर वीडियोज थैंक यू सो मच दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत हैव अ गुड डे